We think that the best way to investigate multi-billion rupee scams in India is by organizing a game of treasure hunt in the PMO. You might be pleasantly surprised with the kind of things you might end up finding under Manuji's chair. So stop watching Fashion TV in mute mode right now and get your ass on the next train to Delhi via G. Guwahati. Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! जय हिंद में आपका स्वागत है और यूपी के मंत्रियों का इंडिया में वापसी पर भी स्वागत है। जी, हमारे यूपी के गणमान्य मंत्री और विधायक फॉरेन में स्टडी टूर करके वापस लौट आए हैं। तो आइए मैं आपको उनमें से ही एक मंत्री जी से मिलवाता हूं जो फॉरेन में स्टडी करके फॉरेन आए हैं। उन्हीं से पूछते हैं कि इस टूर पर उन्होंने कितनी स्टडी की और उसका उन्हें कितना फायदा हुआ। आइए 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 मंत्री जी के लिए बजाइए खुदा। आइए आइए, कोई नहीं है वहाँ, कोई नहीं है। हाँ मंत्री जी, कैसे आप? ठीक है भाई, ठीक है। कहाँ बुलाया हमको? हम तो एक अर्जेंट मीटिंग में बैठे हुए थे। नहीं नहीं, आपको ये बताना चाहता हूँ कि सीएम साहब ने आपको तो बाहर भेज दिया और खुद पता है ना आपको, यहाँ पर सैफी में माधुरी का डांस देखा। हाँ हाँ, हमको वहीं पे मालूम चला था। हाँ, हमने तुरंत ही जो है फोन लगाया अखिलेश भैया को। तो हमने कहा अखिलेश भैया से कि ये सब क्या चल रहा है, हमारे पीठ पीछे माधुरी के डांस देखा जा रहा है। अच्छा, तो हाँ। फिर अखिलेश भैया ने क्या कहा? तो अखिलेश भैया कहे कि तुमको इसीलिए तो हम इंग्लैंड में भेज दिया है भाई, है? माधुरी ने क्या रखा है, माधुरी बुढ़ी हो गई है। अब हम समझ गए कि अखिलेश भैया मजा नहीं ले रहे हैं, मुलायम सिंह जी स्वतः मजा ले रहे हैं। अब वैसे भी माधुरी कौनो कैटरीना करीना तो है नहीं जिसके चक्कर में हम अपना जरूरी टूर कैंसिल कर दें। लेकिन आप तो बड़े थकेले, सॉरी मतलब थके हुए दिख रहे हैं। टूर पे मज़ा नहीं आया क्या? नहीं नहीं, मज़ा तो आया क्या, लेकिन स्टडी टूर था ना। अच्छा। हाँ, इतना स्टडी किया, इतना स्टडी किया, स्टडी करते करते हम थक गए एकदम। नहीं लेकिन एक बात बताइए, आप पर तो ये आरोप लग रहा है यहाँ पर कि आपने जो है वो जनता के 2 करोड़ रुपए मौज मस्ती में फूंक दिए। मौज मस्ती, इसको आप मौज मस्ती कह रहे हैं? हा? कितना दिक्कत होता है, कितना तकलीफ होता है, कितनी मेहनत से हम विदेश गए थे। घर से उठो सवेरे, जल्दी जल्दी एयरपोर्ट पहुंचो, एयरपोर्ट में इतना सब कार्रवाई करना पड़ता है, जहाज में बैठो, ऊपर हवा में जाओ, फिर नीचे उतरो, फिर विदेश में जाके वहाँ इतना ठंडी सर्दी होता है तो वहाँ पे सब एडजस्ट करना पड़ता है अपने आप को। हाँ, बच्चे का खेल है सब। और वैसे भी ये तो स्टडी टूर था, पढ़ाई लिखाई करनी पढ़ी होगी है ना। और क्या भाई, हमने कितना वहाँ पे जाके पढ़ाई किया। अच्छा। कितना साइन बोर्ड पढ़ा, कौन सा साइन बोर्ड में लिखा होता था इधर एयरपोर्ट, फिर ये साइन बोर्ड पढ़ा हमने, इधर शॉपिंग मॉल है, ये साइन बोर्ड, वो साइन बोर्ड। हम पहले कभी इतना पढ़ाई नहीं किया भाई, वेरी मच स्टडी किया हमने। अच्छा, तो आप आगे भी ऐसा कोई टूर करेंगे? हाँ भाई, बिल्कुल करेंगे भाई, जनता की सेवा के लिए हम कुछ भी करेंगे और हमने पहले भी किया है जनता की सेवा के लिए। हम तो वहाँ बोट में बैठ करके समंदर में भी गए, हम बोट में बैठकर समुंदर में गए जनता की सेवा में। ये कैसी सेवा है मंत्री जी? नहीं नहीं, हमने स्टडी किया कि समंदर में वहाँ पे जाके बोट चलता कैसे है, तब हम स्टडी किए, तब हमको मालूम पड़ा कि जैसे ये गोवा में जो अपना समंदर में बोट चलता है सेम वैसे ही बोट वहाँ पर भी चलता है। ये स्टडी करने से पता चला, स्टडी नहीं किए होते कैसे पता चलता? अच्छा, इसका मतलब आप गोवा भी गए स्टडी करने? भाई देखिए, जनता की सेवा के लिए जाना पड़ता है। जनता की सेवा के लिए हम तो गोवा क्या, हमें बैंकॉक जाना पड़े, पटाया जाना पड़े, वहाँ भी जाएंगे। और तो और जनता की सेवा के लिए यदि हमें मंगल ग्रह भी जाना पड़े तो हम वहाँ भी जाएंगे। मंगल ग्रह तक? हाँ, अरे और तो और हमने तो मंगल ग्रह का फार्म भी भर दिया है। अरे ओ सुनिए मेरी बात, मंगल ग्रह पर आप जाएंगे ना तो वापस लौट नहीं पाएंगे, वापस लौट कर आ ही नहीं सकते। हम मंत्री हैं, हैं? कोई मामूली आदमी तो है नहीं, है? भाई रिटर्न टिकट लेके जाएंगे, ऐसा कैसा? मंगल वाले प्लेन में जो है वो तेल बचेगा ही नहीं, आवन जावन में ही बहुत समय गुजर जाएगा। अच्छा, फिर वहाँ कोनो पंप नहीं है? पंप? हाँ, पेट्रोल का पंप। हाँ हाँ हाँ, बोलो। अरे पंप यही तो, अरे ये तो पंप नहीं है। अरे बाप रे, तब तो ससुरा बड़ा गड़बड़ हो गया। फिर हमको तो चिरंजी के लड़के साथी भी अटेंड करना था। बोलो आप शादी वादी नहीं अटेंड कर पाएंगे? अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ तो करना पड़ेगा। एक मिनट कुछ सेटिंग करते हैं, हम अखिलेश भैया को फोन लगाते हैं। हेलो, हाँ अखिलेश भैया, हाँ हम बोल रहे हैं नारद भैया। हाँ भैया वो मंगल ग्रह से वापसी का कौनो सेटिंग करिए ना भैया। अभी तो साले स्टडी टूर करके आए हो, अब मंगल पे भी तुम ही जाओगे? भैया वो अब बच्चा सब बहुत जिद कर रहे हैं बच्चा लोग। अब मैडम भी कह रहे थे कि वो धरती पे मज़ा नहीं आता है, इसके लिए भैया। हाँ साले सारा मज़ा तुम ही लोगे क्या? मैं यहाँ हाथियों की रखवाली करने के सीएम बना हूँ, मंगल पे मैं ही जाऊँगा, समझे? ठीक है भैया, यहाँ पे चले जाओ। तो भैया हमको कोनो दूसरे ग्रह पे कुछ जुगाड़ करवा दीजिए, बच्चा लोग बहुत जिद कर रहा है भैया। तुम पहले मेरे पास आओ, वो साइबेरिया वाला चूतियापा तुमने किया है ना, जल्दी आओ। हाँ हाँ आते हैं भैया, आते हैं आते हैं, हमको जरा अर्जेंट जाना है। सुना सुना मैंने कुछ साइबेरिया वाला चूतियापा किया है। जनता की सेवा के लिए करना पड़ता है, चूतियापा समझते नहीं है। अपनी पूरी कैबिनेट को भी ले जाइए मंगल ग्रह पर। काश हमारे देश के सारे नेता मंगल ग्रह पर चले जाए, हाँ तो मैं और आप धरती पे सुकून से रह पाए। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, तब तक आप मंगल ग्रह का फोटो देख कर आओ। ब्रेक के बाद आपको दिखाऊंगा आसाराम और नारायण साई का नया कारनामा। पहले छोटा सा ब्रेक बजाओ। बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, जियो बेटा बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, बोल बोल बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। अरे मैं जीत गया। बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दोस्तों बहुत साल पहले एक फिल्म आई थी बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। उस फिल्म में कादर खान और शक्ति कपूर बाप बेटे बने थे। अब उसी फिल्म का सीक्वल बन रहा है बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी पार्ट 2, जिसमें हैं आसाराम बापू और उनका होनहार बेटा नारायण साई लीड रोल में। हाँ उसका गाना मार्केट में आ गया है, देखिए। पुलिस हमारे पीछे हम आगे आगे, सबकी निगाहों को धोखा देख के भागे। कौन है सेविका जो बचकर चली जाए, किसमें है दम जो मुझसे बच जाए। भाग नारायण भाग कि मैं हूँ बेटा तू है बाप। अरे दीक्षा लीजिए आप कि मैं हूँ बेटा तू है बाप, हमसे दीक्षा लीजिए आप। जेल से हम हो जाएंगे कुछ दिन में बरी। क्या बोला बेटा? बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, जियो बेटा बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, बोल बोल बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। अरे मैं जीत गया। बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। मेरे बापू में क्या बात है, उसमें जवानी साथ है। वाह बेटा क्या बात है, यौवन की बरसात है। जा 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 तू अपना काम कर, बापू हाँ तू इंतजार कर। जा 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 तू जल्दी काम कर, बापू हाँ तू इंतजार कर। बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। शाबाश बेटा। बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। बेटा जरा दाढ़ी तो पकड़ ली। बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। ये है नारायण और आसाराम के राम मिलाई जोड़ी। अभी तो मैं आपको इनका स्टिंग ऑपरेशन भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले बापूजी का शिलाजीत और वायगरा वाला एक स्पेशल पार ब्रेक ले लो। उसके बाद अनोखा स्टिंग ऑपरेशन बजाओ। दीक्षा का टाइम निकला जा रहा है सेविके। क्या आप सचमुच मेरा प्रभु से साक्षात्कार कराएंगे? अवश्य, वैसे तो मैं स्वयं प्रभु हूँ। यानी आप मुझे नारायण से मिलवाएंगे? तो प्यारे भक्तों, पिछले साल भर से आसाराम और उनके सुपुत्र के नए नए खुलासे देख रहे हो आप। अब एक और नया खुलासा देखो। बच्चा नारायण दास ने अपने परम पूज्य बापूजी का एक अति सुंदर स्टिंग ऑपरेशन किया। वैसे अगर वो स्टिंग ऑपरेशन की जगह बापूजी का नसबंदी का ऑपरेशन करा देता तो इस देश का उद्धार हो जाता और बेचारी कुछ सेविकाएं भी अनोखी दीक्षा से बच जाती। खैर, उस स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जय हिंद के हाथ लग चुका है। आइए आप भी उस संस्कारी स्टिंग को देखकर लाभ आ गई? जी प्रभु। उतारो जी। जूते आश्रम में अलाउड नहीं है। ठीक है, मैं उतार के आती हूँ। कोई बात नहीं सेविके, तुम आ ही गई हो ना, तो बैठ जाओ। बैठो। दीक्षा का टाइम निकला जा रहा है सेविके। क्या आप सचमुच मेरा प्रभु से साक्षात्कार कराएंगे? अवश्य। वैसे तो मैं स्वयं प्रभु हूँ। यानी आप मुझे नारायण से मिलवाएंगे? ऐसे शुभ अवसर पर उस मनहूस कुत्ते का नाम क्यों ले रही हो सेविके? ये कुत्ता तो तेरा भी बाप है। तेरे को ऐसा काटूंगा कि 14 साल के जेल का इंजेक्शन लगेगा। नहीं नहीं, मैं तो उस नारायण की बात कर रही हूँ जो तीनों लोग के स्वामी हैं। फिर तो अति उत्तम, अति उत्तम। थैले में क्या है? इसमें इसमें वो तेल, इत्र वगैरह दीक्षा के बाद आपकी मालिश के लिए। अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम। तो प्रभु, दीक्षा का प्रोग्राम शुरू करें? एक मिनट सेविके, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। कहीं तुम उस मनहूस से तो दीक्षा नहीं ले चुकी हो? नहीं नहीं बापूजी, मैं तो फर्स्ट टाइम दीक्षा ले रही हूँ। शायद आपने मेरी बहन को देखा होगा। बिल्कुल सही कहा तुमने, क्योंकि बापू किसी को भी दोबारा दीक्षा नहीं देते हैं। मैं ठीक से थैला रख दूँ वरना गिर जाएगा। ओहो, ये काम अगर हो जाए तो सारे आश्रम मेरे हो जाएंगे बुड्ढे। फिर मैं सबको दीक्षा दूंगा और तू पीसेगा चक्की। सेविके, इसकी आंखें तो तुमसे ज्यादा नशीली लग रही हैं। सेविके, एक काम करो, इसको छोड़ दो और तुम जाओ। तुम तो पूरा मान गई सेविके। बैठो, अभी तो दीक्षा का पूरा कार्यक्रम बाकी है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ सेविके। कहिए ना प्रभु, मैं तैयार हूँ दीक्षा के लिए। मैं तुम्हारे नाम पे अपना एक आश्रम देना चाहता हूँ। क्या? हाँ सेविके। सच प्रभु? हाँ सेविके, बिल्कुल सच। मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। अभी कहाँ धन्य हुई हो, धन्य होना तो अभी बाकी है। ये झोले का मुंह जरा उधर घुमा दो। जो आ गया बापू। नहीं, मेरा ऑपरेशन फेल हो गया, मैं बर्बाद हो गया। तुम धन्य होगी और तुम्हें दीक्षा भी मिलेगी। थोड़ा करीब आओ और करीब आओ और करीब आओ। क्या है कि यहाँ पे रोशनी बहुत होती है। अब मैं दीक्षा देता हूँ। दीक्षा मिली? क्या स्टिंग ऑपरेशन था। वाह वाह वाह। आप भी ये दीक्षा वगैरह बंद कर दो, नहीं तो आपका भी कोई ऑपरेशन हो जाएगा। तो चलिए अब ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको दिखाऊंगा दिल्ली का मशहूर धरना कांड। हाँ, ले लो ना ब्रेक, अन्य तो मैं धरने पे बैठ गया। वजह शपथ लेते ही मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भविष्यवाणी कर दी कि 5 साल के अंदर भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी। मानो शपथ लेते ही शोभन सरकार का गड़ा हुआ खजाना हाथ लग गया। सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, साला बचपन से यही सुनता आ रहा हूं मैं। हमने इतनी तरक्की कर ली, इतना माल बना लिया, ब्लैक में भी व्हाइट में भी, क्या अब भी चिड़िया ही बनेंगे हम? इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। वाह वाह वाह। हाँ जी, हाँ जी, हमारे आम मुख्यमंत्री ने इसी तरह म्यूजिकल शपथ ली थी रामलीला मैदान। रामलीला, अरे वही मैदान जहाँ 2 साल पहले इश्कियाँ ढिश्कियाँ हुआ था और लहू मुँह लग गया था। तो भैया दिल्ली के उसी रामलीला मैदान में इतिहास के सबसे फेमस आम आदमी ने शपथ ली। शपथ लेते ही मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भविष्यवाणी कर दी कि 5 साल के अंदर भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी। मानो शपथ लेते ही शोभन सरकार का गड़ा हुआ खजाना हाथ लग गया। सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, साला बचपन से यही सुनता आ रहा हूं मैं। हमने इतनी तरक्की कर ली, इतना माल बना लिया, ब्लैक में भी व्हाइट में भी, क्या अब भी चिड़िया ही बनेंगे हम? अरे हाथी वाथी तो बनाओ यार, हाँ बहन जी की तरह। कितने हाथी बना दिए उन्होंने। माना कि अभी सोने के नहीं है, लेकिन एक दिन सोने के भी बना देंगी। केजरीवाल की तरह उन्हें जिताओ तो सही। हाँ। लेकिन यार मोदी साहब भी काफी टाइम से भारत को सोने की चिड़िया बनाने का वादा कर रहे हैं। अगर दोनों ने चिड़िया बना दी तो क्या होगा? अच्छा, तो यही रहेगा कि दोनों मिलकर तय कर लें कि भैया मैं चिड़िया बनाऊंगा, तू बेटा कुछ और बना ले, है कि नहीं? मतलब चिड़िया के बजाय और क्या बनाया जा सकता है? तोता। मोदी जी अपनी सरकार बनने पे सोने का तोता बना सकते हैं। वैसे भी सीबीआई वाले तोते की गर्दन पीएम के हाथ में ही रहती है, और बीजेपी ने उन्हें पीएम बना हुआ मतलब मान ही लिया है। हाँ, वो ऑलरेडी देख रहे हैं उसे। ये सही है, सीबीआई रूपी सोने का तोता। तो सरकार बनने के बाद केजरीवाल ने जनता अदालत लगाई। अदालत में जनता इतनी आ गई कि केजरीवाल को सड़क से उठकर मेज पर चढ़ना पड़ा। फिर मेज से भी बात नहीं बनी तो सचिवालय की छत पर जा खड़े हो गए। अब छत के बाद कहाँ जाएंगे पता नहीं। मतलब दिल्ली में इतनी जनता है और उस जनता की इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं कि उन्हें अगली अदालत स्पेस स्टेशन पर लगानी पड़ेगी। चीफ मिनिस्टर बनते टाइम केजरीवाल ने गाना तो गाया, हाँ, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। लेकिन लोगों का सारा भाईचारा खत्म कर दिया भाई साहब ने। आपस में लेने देने का कितना अच्छा सिस्टम चल रहा था, सब लोग कितने प्यार से, सब मजे से चल रहा था। कोई इधर से ले रहा था, हाँ, कोई उधर दे रहा था, कोई उधर से लेने वाला उधर दे रहा था, इधर से लेने वाला। भाई साहब ने ऐसा झाड़ू मारा कि सारा भाईचारा साफ कर दिया। मैं भी पिछले हफ्ते दिल्ली गया था। दिल्ली में आजकल और कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। बस एक ही चीज़ हो रही है, धरना, नहीं सॉरी, 2 चीज़ें, और प्रदर्शन। सब एक दूसरे के खिलाफ धरना दे रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार भी धरने पे, विरोधी भी धरने पे, बाकी सारी चीज़ें घंटे पे। बीजेपी का केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन, केजरीवाल का कांग्रेस के खिलाफ धरना, कांग्रेस का केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन, बीजेपी का कांग्रेस के खिलाफ धरना, केजरीवाल का बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ धरना, बिन्नी का केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन, केजरीवाल का दिल्ली पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन, केजरीवाल का सुमित राघवन के खिलाफ प्रदर्शन, सुमित राघवन का अपने खिलाफ प्रदर्शन। आप सबको मेरा धरना, मतलब मेरा धरना, मतलब मेरा धरना, आप सबको मेरा प्रदर्शन, आप सबको मेरा जय हिंद। अगले हफ्ते फिर से धरना दूंगा, तब तक के लिए जय हिंद कहूंगा। अब बेटा चलो। You're gonna be next. The writing is on the wall. Now the phone says I need them all. Everything's falling. only got an X-month in my child. How fucked up are you? Or are you fucked up? Yeah. How fucked up are you? Or are you fucked up? Yeah. You're insecure and you're lousy six because your feet will lose arms and sleeping bottle up. You're very deep in pain and street. To ever care about the losers in the hell eyes, you're not them, you and your I am. The one crease on your forehead is when you spot a wrinkle on a shirt or 3 inches from your eye. You think that I can take over people's lives, yeah. How fucked up are you, or are you fucked up, yeah? How fucked up are you, or are you fucked up, yeah? How fucked up are you fucked up, yeah? How fucked up are you, or are you fucked up, yeah? राहुल नीतीश जी न भाए, मुलायम से ममता से अल्लाह बचाए। वो अरविंद दिखता था ठीक सा मगर फिर